ओके, तो मामला बहुत सीधा है, सिंपल है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया 4/10/16 को, अब तक लागू नहीं किया इन लोगों ने, उसमें गलतियां निकाल रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, गलती इंटरप्रेट करके डिनाय कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। सो सब कुछ क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट अगर बहुत बड़ा जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल पहले, सब पेंशन भाइयों के लिए फ़ायदा पहुँचाया था, लेकिन उन्होंने गलत निकाल, गलत तरीके से देख के, गलत तरीके से रिप्रेट करके अभी बोल रहे हैं कि हम नहीं दे सकते। इसके बाद में भी कई राज्यों में, कई स्टेट, केरला, आंध्र प्रदेश, सभी जगहों का उन्होंने डिसमिस किया 10 SLP। इसके बावजूद भी उन्होंने नहीं सुन सुधर रहे हैं, कोर्ट पे कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट हियरिंग है 25 जनवरी को, सब जरा अबाउट मोर देन 100 केसेस चल रहे हैं अभी अगेंस्ट सरकार के खिलाफ। दैट शोज उसका कितना क्वालिटी पोअर एडमिनिस्ट्रेशन है। नंबर टू, उसका जो मिलना है सब कुछ हो चुका था, वित्तीय क्लियरेंस हो चुका था और उन्हें अप्रूवल दे दिया था सरकार ने भी। 16 मार्च को इश्यू किया था और 23 मार्च का ऑर्डर भी इश्यू हो गया था, वित्तीय मंत्रालय जो अभी जेटली उसका मिनिस्टर है उन्होंने अप्रूव दिया था। इसके बावजूद भी वो लोग नहीं मान रहे हैं, खुद के ऑर्डर्स मान रहे हैं, ना कोर्ट को मानते हैं ना ऑर्डर, अब खुद का ऑर्डर मानते हैं, कुछ गलत तरीके से इंटरप्रेट करके इनको सब वंचित कर रहे हैं। जो पेंशन मिलना चाहिए उनको, हक का पेंशन एक्ट है, IPS 95 एक्ट के मुताबिक जो मिलना चाहिए, सेक्शन 10, 11, 12 के मुताबिक जो मिलना चाहिए, हमारी लड़ाई वही है। इट इज़ हमारी लड़ाई जो है न्याय की लड़ाई है, सच्चाई की लड़ाई है। जो हम यही चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसको लागू करो और कुछ नहीं, हमारी मांगे वही है, लीगल है, जायज़ है।